राय बुलार साहब ते पिता मैता कल्याण राय गुरु नानक देव जी के बापू जी का नाम से, यह दोस्त भी सन ते जमाती भी सन। फर्क इना सी कि राय बुलार खान साहब बहुत बड़े जमींदार सन, 1500 मुरबिया के मालिक। मैं जिन्हें मैंने दसी ना गल, मैं 1500 एकड़ तो बहुत ज्यादा जमीन, कहते एकड़ नहीं कही हजूर मुरबे 25 एकड़ होंगे ना मुरबे, 1500 मुरबे जमीन के मालिक सन राय बुलार खान साहब। उन्होंने पिता जी ने अपने मुरबिया का बंदोबस्त करने लिए पटवारी भर्ती मुलाजम रखे, लेकिन दोस्ती तो है सी, मुलाजमत हैगी सी। जो रोशनी हजरत बाबा नानक दे मत्थे च सी, दिल च सी, वह परिवार नहीं पिता नहीं पछाण सकिया सी, वह राय बुलार खान साहब ने पछाणी। अरे हिस्टोरिकल फैक्ट है, सिख इस गल नूं मनदे ने, जन्म साखियां गवाह ने इस गल दीआं, सारी सिख इस गल दी गवाह है। राय बुलार खान साहब की एक घटना सुनावां तुहानूं, बाद दी गल्लां तां बाद दीआं ने, लेकिन उन्हां दे हुंदिआं दी इक सुणन वाली है ना। उन्हां कोल खबर मिली कि 20 रुपये दित्ते सन पिता ने, ते 20 रुपयां दा जो कीता वह अबू नाराज़ होया उहदे नाल, ते सज़ा दित्ती, नफर बुलाया, जन्म साखी ते बोलने आ, नौकर बुलाया, कहा कि मैता कल्याण राय नूं इत्थे लै के आओ, हवेली लै के आओ। नौकर चला गया, पिता नूं जानकारी सी कि झिड़कां पैणगियां, बहाना लाता घर नहीं वापस गया, वह घर नहीं हम कि पिंड है तलवंडी कितने गए हो, दो नफर भेजे जिथे भी हैं बुला के लियाओ, और बाबा नानक नूं भी नाल सद के लियाओ। प्यो पुत हवेली पहुंचे, दुआ सलाम पिता नाल हुई, सीने नाल लाया बाबा नानक नूं। उन्हां दी उम्र उदों 15-16 साल दी। पहला बोल, मैता तुहानूं सख्त ताकीद कीती सी इस बच्चे नाल गल करन लग्गिया, उच्चे सुरां च गल नहीं करनी, उच्चे बोल नहीं बोलने, अज तां तुसीं ज्यादती की। पिता ने कहा जी पढ़न भेजिया सी पढ़दा नहीं, हड्डी खलवाई ना, पशु चारण भेजिया पशुआं विच ध्यान नहीं, सोचा किसे काम का नहीं, हड्डी खुलवा दूंगा, 20 रुपये उजाड़ आया। नफर ने कहा अंदर बेगम साहबा पासों 20 रुपये लेके आओ, नौकर 20 रुपये ले, लो मैता असी तो समय घाटा पूरा करते। पिता ने कहा जी पैसे तुसा दे के असा दे, इस विच की फर्क, जदों के तुसी असा दे हो असी तुसा दे। राय कहा जे पैसों की कोई गल नहीं फिर जुल्म कास लई कीता साई अज फरिश्ते उपर। पिता ने कहा जी अज 20 रुपये उजाड़ के आया है, कल नूं वड्डा उजाड़ा करेगा। पिता होने के नाते मैनू अपने बच्चे नूं जिम्मेवारी सिखाने का कोई हक नहीं। राय साहब कहा जो तुसानूं दिसदा नहीं असानूं साफ नज़र आंदा है, कुल दुनिया की दौलत का दरिया इस बच्चे दे हत्थां थाणी वगदा आंदा साफ दिखाई दिंदा। मैता तुसी इसनूं पुत्र करके जाणदे हो, असी जाणदे हाँ जो खुदाबंद इस दे होंठा राही असा नाल गल्लां करन आया है, मैता इसे करके तलवंडी बसदी है, तुसी हिंदू हो मैता और मैं मुसलमान, इस करके चुप हाँ कि तुहाडा भाईचारा चर्चा करेगा, नहीं तो कई बार मन में आया कि इस बच्चे नूं तुहाडे घरों अपनी हवेली लिया। यह एटीट्यूड है उस रईस का, पिता जी का मुलाजम। तो जिहड़ी गल सुननी चाही सी, मैं चला गया गुरद्वारा साहब तो बाहर, एक इमारत बन रही सी, वो ठेकेदार सी सलवार कमीज पहने हुआ, स्कूल सी, स्कूल का होस्टल बना रहा, कॉलेज का होस्टल, गवर्नमेंट कॉलेज गुरु नानक गवर्नमेंट कॉलेज ननकाणा साहब, मैं गेट से पढ़िया अंग्रेजी च, ते शाहमुखी अखरों च लिखा है, ना नहीं बदलिया। मैं अंदर गया, सेवादार आया जी किन्हां नूं मिलना, मैं कोई प्रोफेसर, मैं उधर प्रोफेसर हाँ, गलां गुलां कर लाँगे, मैं वेला बैठा सी। कहिंदा जी इम्तिहान चल, अप्रैल का महीना, कहिंदा इम्तिहान चल रहे ने बच्चों के, जे तुसी 9 to 12, जे तुसी 12 बजे तो बाद आ जाओ फिर मैं मिला दवा, जिन्हां नूं मिलो चाहोंगे मिला दवा। मैं चलो मैं बाहर आने लग्या, एक उच्चा लम्मा कद्दावर बजुर्ग आया मेरे को, सरदार जी सत श्री अकाल, चले क्यों? मैं क्या प्रोफेसर मिलना आया सी, है नहीं कोई इतने ड्यूटी देने, कहते असी नहीं काबल थोड़ा मिलने दे, मैं ठेकेदार मैं तो छुट्टी कराया लेबर में, वह साडा सरदार भरा है, अज वो गल सुना वो गल कर, वह देखो लेबर ने छुट्टी की है, कोई नहीं गया, थोड़े गल्ला चाहवान ने सारे
मैं चला गया, दो तीन कुर्सियां मंगवा लिया, वो कोई इट्टा से बैठ गया, कोई जमीन से बैठ गया, सारी मजलिस है जी उत्थे बैठ। मैं पहला सवाल जो पूछा हुए, मैं भरा इतने ननकाना साहब के ना कि जमीन है गुरद्वारा के ना, वो कहते क्यों क्यों पूछी तुम ये गल। मैं मैनू अपने बाबा जी की थान का फिक्र नहीं करना चाहिए, वो कहते ना फिक्र व्डे करते होंगे, वो व्डे ने आप बंदगी करनी, छोटे बंदगी करते। प्रोफेसर लैसन मिल रहे थां थां तो, क्योंकि मैं लैसन लैन लिये तैयार, थोड़े तो भी तैयार, जिस जिस डायरेक्शन चो कोई आई गल चज दी वो अपना बार जाएं। मैं चलो फिर भी अपने बाबा जी के थां बारे फिक्र नहीं मैं करता, जानकारी लैन का हक तो है, हाँ जानकारी दो। मैं कि जमीन कहते 1500 750 मैं साढ़े 750 महाराजा रणजीत सिंह ने लवाई से ना, कहते जी दुनिया से दिखा दो किसी थान से महाराजा रणजीत सिंह ने इन्नी जमीन। मैं क्या होर जी साढ़े पट्टिया के सरदार ने लवाई सी। मैं क्या पट्टिया का सरदार कौन? राय बुलार खान साहब। मैं क्या पट्टी सन? कहते मैं भी पट्टी हाँ। देखिया बड़े नाल अपने आप को अटैच करके खुशी मिलती है ना, जे नेक बख्त इंसान से राय बुलार खान साहब ता ही आखिर वो भी पट्टी। मैं क्या मैंने तो पता नहीं इस घटना का, मैं दस्यो। फिर उन्होंने दस्या कि बाबा ये साखी मझा चारण तक की तो हैगी, राय बुलार साहब आए सन मिलन बाबा जी ने खेत अपने मुरबिया का दौरा करते करते, यह भी जन्म साखी च लिखा है। उन्होंने आपस के कोई गुफ्तगु हुई सी, जन्म साखी च है ही नहीं, एडी इंपोर्टेंट गुफ्तगु हुई होनी चाहिए सी, दर्ज क्यों नहीं हुई? उन्होंने पता है जिन्होंने जन्म साखी लिखी है, मैं नहीं पता, लेकिन बहुत इंपोर्टेंट इवेंट हुई उत्थे। राय बुलार खान साहब रही वे सारे घर तुम पता लग गया, लेकिन उन्होंने घर औलाद नहीं सी। उन्होंने घर उन्होंने इच्छा सी कि इस हवेली च दीवा बलदर रहे, घोड़े से सवार होकर अपने मुरबिया का दौरा करने गए। बाबा जी मझा जा रहे हाथ च सोटी, राय साहब घोड़े तो उतरे, लगाम नौकर नूं फड़ाई, जोड़े उतारे घोड़े के नज़दीक, नंगे पैरी बाबा जी के नज़दीक चले, हाथ जोड़ के कहते बाबा मेरी मुराद पूरी कर। जन्म साखी के लिखे हुए दर्ज इन्ना क बाबे कहया कौन घाट है तुसा पास राय जी की चाहिए हो? राय कहया बाबा तू जाने जाना है मेरी मुराद पूरी कर। बाबे कहया ओ जेड़ा जहान दे मुरादा पूरियां करता है उस अगे अरदास कर दे। बाबे ने जोड़े लाए, सोटी जमीन ते रखी, हाथ जोड़ के अरदास की। बाबे कहया राय जी तुसा दी मुराद पूरी हुई, शक नहीं करना, राय लागा कुरसत करन, मैनू कुरसत का पता नहीं सी, दूरा होके सलाम कर। राय लागा कुरसत करन, कुरसत करदा करदा पिछे हटिया, नंगे कदमी हवेली तक पैदल आया। की मंगया सी की दिता सी साखी च है नहीं, यह मैनू उतों ठेकेदार ने दसिया जी औलाद नहीं सी, औलाद मंगी सी, साल बाद घर बेटा पैदा होया। बहुत वड्डी दावत दिती राय साहब ने, दौलत खान भी आए सी सुल्तानपुरों, रिश्तेदार सन, पिंडा दे पिंड आए सन। उस वड्डे कट विच राय गुलार खान साहब ने ऐलान किया सी कि 1500 मुरबिया विचों 750 मुरबा हजरत बाबा नानक अलैहि सलाम दे नाम इंतकाल। बोले सोनिहाल जदों कदी कदाई आप सुनते ना अखबार कि उत्थे सिख यूनिवर्सिटी बन रही है ननकाना साहब, वो इस जमीन च बननी, बनी नहीं अजे, पता नहीं कदों बनेगी, रब करे बने, लेकिन यह जमीन हो रही है हुण। तकरीबन 150 मुरबा जमीन है जिहड़ी ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਵੱਢਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ।